श्रीमद् भागवत महापुराण सातवां अध्याय अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। श्री सोनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नाम का एक आश्रम है, वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है, उसके चारों ओर वीर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री सोनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की उपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण हैं ही ऐसे सुंदर जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने इससे विवश होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। सोनक जी, अब मैं राजऋषि परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गरोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन ने गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ तोड़ दी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किया। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछलाए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुंचूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण अधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तहां भाग सकता था, रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक रहे हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विद्या मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट में देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया।
उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही बनी आई है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति अर्थात स्वरूप शक्ति से वहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्माद रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं में प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सबोर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहां से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका उपयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की भी शक्ति नहीं है। तुम शास्त्रज्ञ हो, विद्या को भलीभांति जानते हो, ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। वाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बड़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की संवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा दिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण धम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष, असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलंगार का आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरु पुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरु पुत्र का इस प्रकार वंद कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग
तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रार्थों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोड़ ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्य पुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चे के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोएं। जो उच्छृंगल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वे कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार सुखाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, सोनकाद ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, कड़ा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हितवरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यके, अर्जुन एवं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये बात दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो, वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मड़ी उसके बालों के साथ उतार दी। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मड़ी और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बांधवों की दहादि अंत्येष्टि क्रिया की। 7वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।